क्या हुआ, क्या कह रहे हो? भगवान जी मैंने कहा लंबे हैं जो नींबू तोड़ देंगे, तो भगवान जी कहीं गए, कहीं क्यों भगवान जी बच्ची खाऊ ने काम आवे लंबाई के लंबाई तो कने ही काम हो, कने कने काम हो, बाकी तो बच्चूड़ी खावा। और उतने दिन से उसको पूछ रहे हैं भाई क्या गिफ्ट चाहिए, तो उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। इसके पापा और हम दोनों पूछ रहे थे, आ जाओ भाई, तेरे पापा बुला रहे हैं, 20 रुपए जा तेरे पानी पता से। तो 20 रुपए का ही खाता है। अगर आ गए मेरे फाइनेंशियल साहब भी आ गए। तो बाहर आए हैं भगवान जी जो हमारे है ना पेड़ पौधे की देखभाल भी करते हैं, खुरपी लगाते हैं, खाद डालते हैं, तो मैं उनको ये गमले दे दूंगी चौक में से, अभी सारे लेके आऊंगी छोटे छोटे, और वो पेंट कर रहे हैं मेरे गमलों पे, तो आपको दिखाती हूँ। वो सारे गमले भी गंदे हो गए थे, और तो सब सफाई पुते का काम हो गया, बस वो गमलों की पेंटिंग रह गई थी। मैंने बोला था जैसा वो अभी आए हैं और कर रहे हैं, तो बाहर जाके उनको ये भी दे देती हूँ मैं। सीताफल उधर नींबू है और इधर सीताफल, दो बड़े हो रहे हैं और इधर बागवान जी हैं। भगवान जी मैंने कहा लंबे हैं जो नींबू तोड़ देंगे, तो भगवान जी कहीं गए, कहीं क्यों भगवान जी बच्ची खाऊ ने काम आवे लंबाई के लंबाई तो कने ही काम हो, कने कने काम हो, बाकी तो बच्चूड़ी खावा। नींबू तोड़ के दिए भगवान जी, लंबे हैं इसलिए इनका हाथ पहुंच गए। वैसे तो नींबू रोज उतरते रहते हैं, दो तीन, और बीच में तो काफी ज्यादा उतर जाए, अचार भी बनाए मैंने, अच्छे हैं इस पेड़ के नींबू, बारहमासी है। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह, आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला कुकबुक पे और मेरे घर में भी। तो आज है अर्जुन का बर्थडे, थोड़ा काम कराने लग गई थी, अभी तक दिवाली की सफाइयां चल रही है, तो बच्चे बोलते हैं कि हम केक खा खा के बोर हो चुके हैं, तो मैंने कहा कि घर पे भी मत बनाओ, बाजार से भी मत लाओ, आगे ऑलरेडी केक पड़ा है। तो बोला कि हम तो केक नहीं खाएंगे, हम तो देसी चीज, तो दादी सा ने बोला कि वैसे तो हमारे ट्रेडिशन है कि दादोसा के समय से वो हमेशा हलवा बनवाते थे अर्जुन के दादोसा, तो वही हम बनाते हैं सबके बर्थडे पे, एक बार तो हलवा बना ही लेते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद चाहे कितनी तरह की मिठाई केक कुछ भी आओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन हलवा तो चढ़ा ही देते हैं। तो वही मैं करने जा रही हूँ, हलवा बना रही हूँ अर्जुन के बर्थडे का, और भगवान को भोग लगा देंगे, उसके बाद जो मिठाई आती है वो भी चढ़ा देते हैं, और भी कोई तरह की मिठाइयाँ केक जिसको जो खाना है खाते रहते हैं, पार्टी करनी है कहीं जाना है तो वो सब बाद में देखा जाएगा, फिलहाल मैं बना रही हूँ हलवा। कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया और साथ में इलायची को भी फोड़ के डाल दिया, इससे फ्लेवर आता है, फिर बाद में इसको निकाल लेते हैं। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बेसन, तो मैं बेसन और आटे को मिक्स करके बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है हलवा। तो ये गेहूँ का आटा है, तो चाहे तो इसमें आप सूजी भी मिला सकते हैं थोड़ी सी, तो ये जैसे मैंने बेसन और आटा मिला दिया है तो एकदम से मिक्स कर लेंगे और अच्छा से सेक लेंगे उसको, और फिर मैं इसके अंदर डालूंगी दूध, तो जैसे आप चाहें तो मावा डाल सकते हैं, मिल्क मेड, या अभी मैं दूध पड़ा है मेरे पास बचा हुआ तो मैं दूध डाल दूंगी, तो बहुत ही अच्छा एकदम टेस्ट आ जाता है हलवे के अंदर। तो अब अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है, भीग गया हमारे बेसन और आटा दोनों मिक्स करके डाल दिए थे घी में, तो अब मैं डाल दूंगी इसमें दूध, खाली दूध में ही मैं इसको बना दूंगी, तो बहुत ही अच्छा टेस्टी बन जाएगा ये। अभी इसका दूध सूखने में थोड़ा समय लगेगा, तो ये देखिए हलवे ने हमारे कढ़ाई छोड़ दी है, दूध एकदम से ऑब्जर्व हो गया इसके अंदर, खाली दूध था इसलिए आप सोच रहे होंगे इसका ब्राउन सेका था कलर ऐसा क्यों, क्योंकि हमने दूध डाला है खाली, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, तो दूध का कलर, अभी इसमें जब शुगर डालेंगे हम तो इसमें कलर आ जाएगा उसका, तो अब मैं इसके अंदर शुगर डालूंगी। तो आंच को मैंने धीमा कर दिया, अब इसको हिला देते हैं,
शुगर आप अपनी इच्छा से डाल सकते हैं, जितना मीठा वगैरह खाते हो, और गुड़ का भी बना सकते हैं आप चाहे तो। हमारे यहाँ गुड़ का ज़्यादातर खाते नहीं है, तो इसलिए मैं शुगर का बना दिया मैंने, तो आप चाहें तो गुड़ का भी बना सकते हैं। तो ये देखिए आप, हलवा हमारा बन रहा है और कलर भी आ जाएगा अभी इसमें। तो ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, थोड़ा पिस्ते और काजू, चाहे तो बादाम, जो भी आपकी इच्छा हो। हलवा हमारा रेडी हो गया। थोड़ी सी इलायची भी कूट के और डाल दी, और मैंने उसमें भी डाल दी थी थोड़ी फोड़ के। गैस बंद कर देती हूँ, हलवा रेडी है। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो भगवान को भोग लगा देंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा अर्जुन का बर्थडे है, तो मैंने हलवा वगैरह बना दिया है, भोग लगा दिया भगवान को। और अर्जुन ने बोला कि इस बार मैं कुछ ज्यादा और कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। और उतने दिन से उसको पूछ रहे हैं भाई क्या गिफ्ट चाहिए, तो उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। इसके पापा और हम दोनों पूछ रहे थे तो कुछ बताया नहीं। तो रिकॉर्डिंग तो हो रही है कि नहीं? अरे हो रही है। तो बाहर गया हुआ है, कन्फर्म कर लेती हूँ क्योंकि पता नहीं चल रहा है। फिर है ना, मैंने बोला कि भाई हम उसको कुछ ऐसा दे देते हैं कि लिफाफा ही बना देंगे उसके लिए, फिर वो जाने उसका काम, जाने उसको क्या लेना है तो वो लेता रहेगा। तो हमने यही डिसाइड किया कि हम उसको लिफाफे में दे देंगे। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी जब उसको दूंगी, जब वो खुद ही खोलेगा। सरप्राइज है उसके लिए भी कि हम उसको क्या दे रहे हैं। तो चलिए फिर उसके लिए लिफाफा बना देते हैं, फिर वो आएगा बाहर गए तो उसको दे देंगे। अर्जुन आ गया है बाहर से, तो उसको बुला लेते हैं और उसका सरप्राइज जो है वो दे देते हैं उसको। तो मैं बुला के लाती हूँ। पापा बुला रहे हैं, क्या हुआ? कुछ काम है। हाँ भाई, हैप्पी बर्थडे। ये क्या कर रहे हैं? फिर से बोल रहे हो, सुबह बोल तो दिया था, गिफ्ट दे रहे हैं। थैंक यू। व्लॉग कर रहे हो क्या? चेक कर लो, वो उनका रिकॉर्डिंग स्टार्ट है कि नहीं? हमेशा की तरह कहाँ है ये रिकॉर्ड हो रहा है? वो रेड लाइट ब्लिंक हो रही है, जल रही है। अच्छा, तो क्या करना है? तो ये तेरे पापा ने एक लिफाफा बनाया है मेरे और इनकी तरफ से, तेरे पापा के मेरी तरफ से तेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट। थैंक यू। लिफाफा तो या तो शादी में मिला था, उसके बाद में इतना बड़ा लिफाफा तो आज मिल रहा है। ये क्या है? ये तो ऐसा लग रहा है कोई रेजिग्नेशन लेटर मिल रहा है। घर से निकाल तो नहीं रहे हो? शादियों में छोटे होते हैं, ये बड़ा लिफाफा है। ये ऐसा लग रहा है घर से निकाल तो नहीं रहे हो? जीरो नाम है तेरा वसीयत में, जा देखू क्या है इसमें, देख लू। देखा ना, उसी के लिए दिया है तेरे को। पूरा वो डॉक्यूमेंट वाला लिफाफा लिया है आपने? चेक है। ओ भाई साहब, पहले बताया मैंने डंबल उठा रहा करके तो गलत पढ़ लिया था। पहले इसमें मैंने 10,000 रुपए पढ़ा था, मैं आपको पता है मैथमेटिक्स डिफॉल्ट हो रहा है। इन लोगों को दिख रहा है क्या? मैं आपको दिखा दूंगा, आप खुद ही देख लो पहले। इन्होंने चेक मेरे को कितना का दिया, और ये लास्ट में ऑड नंबर सा है। दिख रहा है पापा? दिख रहा है? मैं बता देता हूँ, ये इन्होंने दिया है मुझे 1,20,000 का चेक। 20 रुपए? जा तेरे पानी पता से। तो 20 रुपए का ही खाता है। कैमरामैन जी, 20 रुपए तेरे पानी पता से। मैं क्या, ये 20 रुपए का आंकड़ा? मैं क्या हमेशा जाता हूँ ना, तो मतलब एक 10 की प्लेट मतलब नहीं खाता मैं, हमेशा फिक्स है 20 की प्लेट खाता हूँ। 30 हो सकता है लेकिन 10 नहीं हो सकता। 1,20,000, ये तो भारी अमाउंट मिल गया गाइस। बर्थडे तो अब स्टार्ट हुआ है, बाहर गर्मी से है, मैंने कहा ऑफिस गर्मी हो गई लेकिन अब बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो मुझे कुछ ताम झाम नहीं चाहिए, मेरे को तो केक भी नहीं काटना है, केक कोई खाते ही नहीं आजकल, इतने दिन पड़ा रहता है। तो मिठाई ले आए, फिर बच्चे बाहर चले जाएंगे, देख लेंगे क्या करेंगे। तो हमने सोचा चलो और कुछ नहीं है तो पैसे ही दे देते हैं, और जो इच्छा होगी वो ले बैंक में जमा करेंगे। हमने आज सुबह क्या है कि घेवर काट लिया था, मतलब वो रिकॉर्ड नहीं किया हमने। मैं तो अभी बाहर से आया हूँ, मजा आ गया। तो अब शाम हो गई है, और शाम को वैसे तो अर्जुन ने बोला मैं केक नहीं काटूंगा, तो सुबह ही उसने तो हलवा चढ़ा दिया था मैंने, और घेवर आया था। तो ये देखिए राधिका के भैया ने भेजा था घेवर, तो उसने काट के, और कि मैं तो घेवर काट के और ऐसे बर्थडे मना लूंगा। अब काजू कतली और भी मिठाई है, और यहाँ पे देखिए ये राधिका बनवा के लाई थी बुके, वो भी हमने निकाल ही रहे थे, तो उससे कह रहे रुको निकालो मत, क्योंकि इसमें जो चॉकलेट थे वो सारी पिघल रही थी। तो यहाँ हमने उतार के अभी रखी है, 2-3 इसमें पड़ी अभी लगी हुई, तो वो पिघलने वाली थी। तो हमने कहा उतार के फ्रिज में रख देते क्योंकि गर्मी से गल रही है टॉफियां। और ये जो चेक हमने दिया था, अरे यार ये दूर मत करो मेरे से, मैंने और इसके पापा ने दे दिया था। तो वही बच्चों के
कोई चीज नहीं है इनको जरूरत, तो हमने तो हमारा पैसे दे दिए। आ गए आ गए, मेरे फाइनेंशियल साहब भी आ गए। बैंक में रखे चाहे इसका कुछ ले, वो इसकी मर्जी है, क्योंकि पैसा तो हमेशा काम आता है ऑलवेज। तो मैं तो मेरे पैसा मनी दे दिया मैंने इसको, और बाकी तो सब मिठाइयाँ वगैरह है, तो अर्जुन का मीठा मुंह करा देती हूँ मैं। तो राधिका भी इसके लिए गिफ्ट लाई है, तो जैसे कि इसको गोल्ड भी पसंद है और पैसे भी पसंद है, तो हमने तो पैसे दे दिए। राधिका लिया है कि जो देखो आप क्या लाई है। राधिका क्या लाए भाई, ये भी मुझे अभी पता पड़ रहा है क्या अभी है। बहुत गोल्ड पे बहुत है ना हो रहा है कि हमने भी एक दूसरे को दी थी रिंग, तो अब ये इसके लिए भी लाई। सॉलिटेयर दिख रहा है तो मुझे कैमरे में, तो इतना मुझे पता नहीं पड़ रहा, लेकिन चमक रहा है मुझे आंखों से तो दिख रहा है। सॉलिटेयर है ये, पहन के देख ले कैसा लग रहा है तुझे। गाइस आज तो बस दिन बन गया है मेरा। आज तो पैसा ही पैसा हो गया है, दिख रहा है वो भी ले लो। क्या ओहो, पापा ने कहा वो भी ले ले, सही बात है। एक हाथ में रोकड़ा, एक हाथ में डायमंड सॉलिटेयर, पैसा ही पैसा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग ऐसे केक लाके केक कटा देते तो केक तो सस्ता मामला पड़ जाता है, तो अर्जुन है बेटा चला। बोला अरे नहीं मुझे तो कोई पार्टी नहीं करनी है, मेरे को कुछ भी नहीं करना है, और है ना मैं तो अभी कुछ लेने वाला नहीं हूँ। तो फिर हमने सोचा भाई चलो ठीक है, अब इसको पैसे दे देते तो कितना चला के देख लो आप, इतने पैसे लेके बैठा है और गोल्ड भी लेके बैठा है। रियलिटी है कि मुझे फालतू की चीजें पसंद नहीं है, लेकिन है ना अगर जो मैं गिफ्ट लेता हूँ ना मुझे सस्ता पसंद नहीं है। तो केक नहीं लेने से अगर इतना अच्छे गिफ्ट मिलते हैं तो केक का क्या करना है। घेवर ही कटेंगे अब तो, मैं रोज घेवर काटूंगा। हलवा ही खा लो प्रसाद वाला। और हाँ मैंने ये ऐसा बोला ना कि भाई केक मतलब सस्ता नहीं पसंद है, ऐसा नहीं है, गिफ्ट गिफ्ट होता है, लेकिन पर्सनली जैसे सबको अपनी अपनी पसंद होती है ना, तो मुझे सस्ते गिफ्ट पसंद नहीं आते हैं, मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तू काजू कतली खा ले, काजू कतली मैं तुम्हें करा देती हूं काजू कतली के साथ। धन्यवाद, तुम भी खा लो। और भी बच्चे अभी बाहर भी जाएंगे, तो जैसा कि अर्जुन का मूड होगा वो देख लेगा। लेकिन ये देखिए एक और मिठाई है, तो ये हमारे वो हिमलता जी हमारे घर आते हैं तो उन्होंने भिजवाई थी, तो बहुत ही देखिए पान का फ्लेवर इसमें, पान मसाला वर वगैरह लगा है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। ये भी थोड़े बहुत खा ली है सबने, तो और काजू कतली और मिठाई भी उन्होंने भिजवाई थी। तो इस तरह से बर्थडे मन गया अर्जुन का, घर बैठे बैठे बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन हो गया, लखपति बन गया मैं घर बैठे बैठे इसको। और इसकी मौसी भी, उन्होंने भी, इसकी मौसी ने भी काजू कतली का डब्बा और मिठाई भेजी थी, तो किसी काम की वजह से वो नहीं आई थी, तो उसने अपने बेटे के साथ भेज दी थी दिन को, वो शूट नहीं मैं शूट में आ नहीं सका, तो वो दिन को आके और देखे गया था। तो फिलहाल इसी तरह से चल रहा है बर्थडे का सेलिब्रेशन, बहुत बढ़िया चल रहा है मेरे लिए। तो जैसा कि दिन में आपने देखा था कि बागवान जी आए थे और गमलों की पेंटिंग चल रही थी, गमले भी मैंने सब कलर करवाए, तो बिल्कुल अप टू डेट हो गए, तो थोड़ा लेट निपटा था काम तो मैं दिखा नहीं सकी, तो अगले ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी मेरे गमले वगैरह सेट हुए कैसे लग रहे हैं। और आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमा गणी।